गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर विकी चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं हाजिर हूँ फिर आपसे देखिए विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊँ उसे पूर्व निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना सुबह ही आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। तो मित्रों, मेरा प्रोग्राम आप चंद्र राशि पर आधारित है जो कि लग्न राशि से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि लग्न राशि में दोनों में कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ देखिए 8-9-10 मई यानी 8 मई को जो मैंने बताया ना आपको अमावस्या है वैसे 8 मई को, लेकिन 8 मई को जो है 8 मई को अमावस्या यानी 7 को लग जाएगी अमावस्या, 8 मई को तो सुबह तक है अमावस्या, उसके बाद पड़वा आ जाएगी यानी चंद्रमा पड़वा में 2 में और 3 में। चंद्रमा 8-9-10 में कहाँ रहेंगे भाई, वृषभ राशि में। तो 8 मई के यानी आप समझ लीजिए सुबह 8 मई को सुबह करीब 7:07 जब मतलब मास खत्म हो रही होगी चंद्रमा जो है आ जाएंगे कहाँ वृषभ राशि में और 8-9-10 रहते हैं एक राशि में। तो वृषभ राशि में चंद्रमा आए जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वृषभ राशि में चंद्रमा देखिए कुछ कुछ भाव में जहाँ त्रिकोण में बैठे होंगे जहाँ और तो वहाँ तो बृहस्पति के साथ अच्छा बनाएंगे युति बृहस्पति की चंद्रमा की, और केंद्र के भाव में देखिए जहाँ 1-4-7-10 वहाँ मैं कहता हूँ यानी केंद्र में आ गए तो आप देखिए ये बन जाता है गज केसरी राज्य। तो 8-9-10 में यानी 2.25 दिन चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर के गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है और कुछ राशियों के लिए गज केसरी राजयोग कुछ कुछ राशियों के लिए आप भी कहिए बृहस्पति का चंद्रमा का की युति बहुत ही लाभदायक है। ये 2.25 दिन 8-9-10 में तो मैं वो बता रहा हूँ कि कौन सी राशियाँ हैं जो वही विशेष लाभ पाएंगी, कौन सी राशियाँ हैं जो धन पाएंगी, कौन सी राशियाँ जो सुख पाएंगी। तो वही राशियों की चर्चा करने में आया हूँ कि 8-10 तक जो बृहस्पति का और चंद्रमा का युति बन रही है वृषभ राशि में तो देखिए मेष राशि के लिए वो बन गई धन भाव। मेष राशि नंबर 1 लग्न में तो वृषभ राशि नंबर 2 धन भाव में आ गई तो शुक्र की राशि धन भाव में यानी शुक्र की राशि है धन भाव में है, काल पुरुष की कुंडली के भी धन भाव में होती है शुक्र की राशि वृषभ, तो वृषभ राशि में यानी मेष राशि के लिए धन भाव में बृहस्पति का चंद्रमा की युति बन गई, बहुत बढ़िया है भाई। परिवार को कुटुंब को अच्छा मतलब बातचीत बढ़िया अच्छा संबंध रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई मानसिक परेशानी, कोई झगड़ा नहीं, तो धन का आगमन रहेगा और धन का आगमन रहेगा तो भाई परिवार कुटुंब के लोग भी खुश और आप भी खुश, सब खुश खुश। वाणी में बड़ी मधुरता, आपका मीठी वाणी या सरस्वती आपकी जिब्बा पर बैठी हो बृहस्पति की वजह से। देखिए ये तो मेष राशि के लिए तो मैं बस समझता हूँ, धन भाव में है तो बहुत ही शानदार योग है बृहस्पति का चंद्रमा का संयुक्ति जो है वृषभ राशि में जो है बहुत ज़्यादा धन भाव में। और देखिए वृषभ राशि के लिए ये हो गया लग्न भाव में, वृषभ राशि में खुद वृषभ राशि में ही चंद्रमा और लग्न भाव का मतलब केंद्र पहला भाव तो ये गज केसरी राजयोग बन गया वृषभ राशि के लिए, तो गज केसरी राजयोग लग्न में बन गया। लग्न का मतलब शरीर होता है तो लग्न यानी शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट बीमारी रहित रोग रह से मुक्ति दिलाने वाला तो सप्तम में देख रहा है, सप्तम में दृष्टि का मतलब क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा,
और देखिए आपके पार्टनर्स का सहयोग अच्छा मिलेगा, बिजनेस में अच्छी तरक्की करेंगे। तो जैसे मैंने बताया मेष राशि के लिए धन भाव से अष्टम को देख रहे थे तो अचानक धन की संपत्ति चला रहे थे, वृषभ राशि को पहले भाव से सप्तम को देखेंगे। देखिए बृहस्पति की दृष्टियाँ तो जो तीन दृष्टियाँ होंगी उनकी अलग बात नहीं करी मैंने, लेकिन दृष्टियों में अमृत रस बरसता है, तो अमृत बरसाने वाली दृष्टियाँ वृषभ राशि के लिए 5, 7, 9 भाव में, यानी संतान के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में और भाग्य भाव में, तो वृषभ राशि को तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्यों संतान को भी लाभ हो रहा है और दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का भी अच्छा संबंध और भाग्य वर्धन भी हो रहा है। मेष राशि के देखिए 6वें 8वें पर 10वें पर दृष्टि पड़ी थी, तो 6वां 8वां उतना बढ़िया नहीं था जो कि वृषभ राशि के लिए 5, 7, 9वें पर बढ़िया था। तो ये गज केसरी राजयोग वृषभ राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहा है। और वृषभ राशि के बाद मैं समझता हूँ जो अगली राशि है वो देखिए कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आप देखिए नंबर 4 की राशि है, तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा देखिए कहाँ आएंगे, 4थी राशि आ गई, तो 3, 2 यानी 11वें भाव में, 11वां भाव लाभ का भाव, लाभ भाव मतलब धन 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 धनाधन धन की बारिश। तो बृहस्पति और चंद्रमा भाई बहनों से धन दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे, नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से धन आएगा, विभिन्न स्रोतों से धन आएगा, जहाँ से भी आपका जो भी काम है, व्यापार है, नौकरी है, सबसे धन आएगा, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि के लिए और लाभ भाव का मतलब 11वें भाव से दृष्टि पड़ेगी, 5वें भाव पर तो संतान को भी लाभ होगा, संतान की भी तरक्की होगी, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में, नौकरी में, सब जगह अच्छा सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, अच्छे अंकों से पास होंगे। तो मैं समझता हूँ ये यानी वृषभ राशि के साथ साथ कर्क राशि भी बहुत ही शानदार लाभ कमा रही है। और भाई गज केसरी राजयोग बनता है अगली राशि जो है सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए 10th हाउस में, 10th हाउस क्या है मतलब जॉब का वो केंद्र है, तो यहाँ बन गया केंद्र में गज केसरी राजयोग। तो सिंह राशि के लिए 8, 9, 10 ये 2.25 दिन चंद्रमा के और बृहस्पति के मेल 10वें भाव में, यानी आपको जो जॉब करते हैं उसमें प्रशंसा मिलेगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, और नया जॉब चाहिए तो नया जॉब भी मिल सकता है, और कार्य क्षेत्र में नाम होगा, सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे, सुख साधनों का कोई अभाव नहीं रहेगा, क्यों 10वें से दृष्टि 4थे पे जाएगी, तो गाड़ी बंगला जमीन मकान फ्लैट जो कुछ भी है सब कुछ मिलेगा। किसको भाई, सिंह राशि को, जो चाहे सो मिलेगा, सुख साधनों की कोई कमी नहीं होगी। तो सिंह राशि के लिए देखिए बृहस्पति कहाँ बैठ गए, बृहस्पति बैठ गए 10वें भाव में, और 10वें भाव से जो देखिए दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि के लिए, आप लगा लीजिएगा दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव से 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पर, तो यानी जॉब के द्वारा कार्य क्षेत्र के द्वारा धन का आगमन होगा, और 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर, तो सुख साधनों का कोई कमी नहीं रहेगी, 8, 9 नवीं दृष्टि पड़ रही है 6वें भाव पर, तो नई नौकरी, नया वेतन मान, अब देखिए ऋण लेना कहीं से बैंक से तो ऋण मिल जाएगा, कहीं पैसा फंसा हुआ तो वापस आ जाएगा, और कोर्ट कचहरी में सफलता मिल जाएगी आपको। तो बृहस्पति का 10वें भाव में दृष्टि डालना 4थे भाव से सुख साधनों की वृद्धि, और 4थे भाव में बैठना खुद ब खुद देखिए रोजगार में, नौकरी में विशेष तरक्की, मान सम्मान। तो मैं समझता हूँ ये बृहस्पति का और चंद्रमा का सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अगली राशि है देखिए कन्या राशि। कन्या राशि देखिए नंबर 6 की राशि, तो कन्या राशि के लिए नंबर 6 का मतलब ये जो है वृषभ राशि आ गई 9वें भाव में, 9वां भाव होता है भाग्य भाव, तो भाग्य भाव में चंद्रमा बैठेंगे, बृहस्पति बैठेंगे, भाई भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन होगा तो स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। तो कन्या राशि वालों को तो
भाग्य की तरक्की होने से सब कुछ मिल जाएगा, और भाग्य भाव से तीसरे भाव दृष्टि पड़ेगी तो आपको देखिए बड़ी मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलेगा, पराक्रम करेंगे लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेशी यात्राओं से लाभ मिलेगा, पिता से अच्छा लाभ मिलेगा, धार्मिक आप अनुष्ठानों में आप शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों को चूँकि ये नवे भाव में है, भाग्य भाव में है, तो बहुत ही शानदार है, भाग्य वर्धन हो रहा है। और कन्या राशि के बाद मैं समझता हूँ कन्या राशि के बाद देखिए फिर जो है वृश्चिक राशि के लिए सेवेंथ हाउस में, वृश्चिक राशि के लिए वृश्चिक राशि आठ नंबर की राशि लग्न में आ गई तो सामने सातवें भाव में वृषभ राशि पहुंच जाएगी, यानी चंद्रमा और बृहस्पति। तो सप्तम भाव में बैठेंगे वृश्चिक राशि के लिए, दाम्पत्य जीवन अच्छा, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, व्यापार में अच्छा सहयोग, जीवन बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं। तो वृश्चिक राशि के लिए ये गज के थी राजयोग बन रहा है, सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को बड़ा अच्छा कर देगा, बहुत शानदार रहेगा। और आपके देखिए यहाँ से दृष्टि जो पड़ेगी, आप देखिए बृहस्पति की आप दृष्टि लगाए अगर वृश्चिक राशि में से, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँचवीं दृष्टि आई ग्यारहवें भाव में, तो लाभ ही लाभ, और लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन। और छः सातवीं दृष्टि लगन पर, लगन में मतलब शरीर जो है बीमारी रहत हृष्ट पुष्ट और सुंदर काया। और फिर नवा दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, तो पराक्रम परिश्रम बढ़ा हुआ, बड़े मेहनत से लाभ। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मैं समझता हूँ चंद्रमा का और बृहस्पति का ये युति जो है बहुत शानदार लाभ दे रही है, ये मतलब गज कैसी राजयोग बन रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब वृश्चिक राशि के लिए चूँकि मैंने बताया ना कि वृश्चिक राशि आठ नंबर की राशि होती है, उसके लिए जो है ये जो है वृषभ राशि आ गई सातवें भाव में, तो केंद्र में, केंद्र में जो है गज केसरी राजयोग बना। और भाई देखिए आप वृश्चिक राशि के बाद और कौन सी राशि आ सकती है, देखिए इसके बाद देखिए मकर राशि के लिए भी देखिए त्रिकोण में पांचवें भाव में त्रिकोण में चंद्रमा बृहस्पति आ गई, तो मकर राशि नंबर 10 की राशि है, नंबर 10 राशि देखिए जब आएगी तो मकर राशि के लिए नंबर 2 राशि पांचवें भाव में आ गई यानी वृषभ राशि, तो बृहस्पति और चंद्रमा पांचवें भाव में बैठ गए संतान के भाव में, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान से दृष्टि पड़ेगी ग्यारहवें भाव में, तो ग्यारहवें भाव में देखिए खुद मंगल की वृश्चिक राशि है तो धनी धन मिलेगा, व्यापार से धन, विभिन्न स्रोत बड़े भाइयों से धन, नौकरी से धन, जो भी काम करते हैं आपको। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए भी पंचम में बैठना और ग्यारहवें में दृष्टि पड़ना, और बृहस्पति की देखिए पंचम से तो एक दो तीन चार पाँच नवम पंचम यानी नवम भाग में दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर। भाई देखिए केतु से नवम पंचम योग बन रहा है, सभी राशि का बनना ये और शानदार है, यानी केतु को आप देखिए जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, वहाँ से कन्या राशि पर पाँचवीं दृष्टि पाँचवा, और केतु से जो है आप देखिए वृषभ राशि नवम, तो नवम पंचम योग भी बनता है, यानी गज केतु राजयोग के साथ साथ नवम पंचम भी बनता है, वो तो हर राशि के लिए बनेगा और अच्छा ही फल दे रहा है। जैसे कि यहाँ जो है मकर राशि के लिए नवम पंचम बृहस्पति का और केतु का, भाई केतु देखिए क्या है, केतु इस समय जो है बुध की राशि में है तो बुध की बात, और बृहस्पति से दृष्ट है तो बृहस्पति की बात, बुध बृहस्पति की बात बुद्धि विवेक से धन का संचय कराएंगे, केतु धन दिलाएंगे। तो राहु की तरह नहीं है कि राहु आसमान तक उड़ान भरे दूर दूर तक जाए, केतु संचित कराते हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब जो है नैरोनेस, तो विचारों में भी नैरोनेस, कलेक्शन धन का संचय करना, तो केतु से नवम पंचम बनना बृहस्पति का, ये सभी राशियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो अब इसके बाद देखिए कोई और राशि बचती हो तो मैं बताऊँ, मकर के बाद देखिए अभी कुंभ राशि और है,
जो कुंभ राशि जो लग्न में आ जाएगी तो चौथे भाव में सुख भाव में यानी ये जो है वृषभ राशि आएगी। सुख भाव मतलब माता का भाव, माता का स्वास्थ्य अच्छा, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये रहा कुंभ राशि के लिए कि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि जिसके लिए चौथी राशि में गज केसरी राजयोग बन रहा है और चौथे भाव से अच्छा सुख साधनों की वृद्धि होगी और धन धान्य से परिपूर्ण जिंदगी बीतेगी, क्योंकि दसवें भाव पर दृष्टि पड़ रही है जो जॉब का और व्यापार का भाव है। तो भाई ये मैं समझता हूँ कि कुंभ राशि के लिए, और देखिए बृहस्पति का चौथे में बैठना और ये कहते हैं शिखर है काय का, काम त्रिकोण का, काम त्रिकोण में चौथा भाव और देखिए बारहवा भाव और आठवां भाव, ये जो त्रिकोण बनता है जिसका शिखर जो है चौथे भाव पर जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो काम त्रिकोण का मतलब काम यानी वर्क, जितना ही काम ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अब ये देखिए बृहस्पति जो है एक दो तीन चार पाँच, अष्टम में छः सात, दसम में और बारह में, आठ दस बारह भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो विदेश से देखिए खर्चा करा सकते हैं धन का, पर विदेश से लाभ भी होगा, विदेश जाना होगा तो लाभ होगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से नौकरी, विदेश से व्यापार, तरक्की मिलेगी। जो बारहवें भाव बृहस्पति देख रहे हैं तो ये जो है गज केसरी राजयोग सुख भाव का सुख साधनों की वृद्धि कराएगा और कोई किसी तरह से कमी नहीं देगी। तो मित्रों आठ नौ दस यानी कल से समझ लीजिए, आठ नौ दस का जो चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे तो ये योग जो है गज केसरी राजयोग बना रहा है या बृहस्पति चंद्रमा का युति बना रहा है त्रिकोण में, केंद्र में बन रहे हैं जहाँ पर आपको ये गज केसरी राजयोग, और त्रिकोण में कह सकते हैं कि बृहस्पति का चंद्रमा का बहुत अच्छा योग। तो ये जो है जो मैंने बताया आपको राशियाँ बहुत ही शानदार लाभ पा रही हैं, यानी मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या और देखिए वृश्चिक, मकर और कुंभ, तो इतनी राशियों को मित्रों लाभ मिल रहा है। अब देखिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ और आपसे निवेदन यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं फिर आऊँगा तो कोई और चर्चा करूँगा मित्रों। नमस्कार।